Hi everyone, I'm Shumbul Arifa and I'm working as a software engineer at Microsoft. इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना वो रेज्यूमे शेयर करने वाली हूँ जिसने मुझे Microsoft, Google, Amazon एंड और भी बहुत सारी कंपनी से इंटरव्यू कॉल्स दिलाए हैं। ऑन एन एवरेज एक रिक्रूटर आपके रेज्यूमे पे 6 से 7 सेकंड स्पेंड करते हैं जो कि बहुत ही कम टाइम होता है एंड इसी टाइम में यू हैव टू मेक श्योर कि आपका रेज्यूमे स्टैंड आउट करे। उसके लिए आपको एक बहुत ही कैची एंड क्लीन रेज्यूमे बनाना पड़ेगा एंड यू हैव टू मेक श्योर उस रेज्यूमे में कुछ कीवर्ड्स हो जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करें। तो अगर आप भी एक अच्छा रेज्यूमे बनाना चाहते हैं या फिर उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर आपका रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको काफी सारे टिप्स मिलने वाले हैं एंड एंड में एक बोनस टिप है जिसको आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करना एंड बाकियों के साथ शेयर भी करना जिनके लिए यूजफुल हो सकती है एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो कुछ लोगों का डाउट रहता है कि रेज्यूमे कैसे बनाना है, कौन सा टूल यूज करना है या फिर कौन सी वेबसाइट यूज करनी है। तो आई विल टेल यू, कुछ लोग गूगल डॉक यूज करते हैं बनाने के लिए या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं बनाने के लिए, जो कि ठीक है। बट अगर आप कुछ वेबसाइट यूज करेंगे जिसमें प्री बिल्ट टेम्पलेट्स हैं, जो कि मैंने यूज किया था, तो आपका काफी टाइम भी सेव होगा एंड एडिट्स करने में भी आपका काफी अच्छे से फॉर्मेटिंग रहेगी, फॉर्मेटिंग वोंट गेट डिस्टर्ब। बट वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं एंड कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पे आप रेज्यूमे बना सकते हैं एंड क्या वो फ्री हैं, तो आई विल टेल यू। मैंने अपना रेज्यूमे बनाया था ओवरलीफ एंड नोवो रेज्यूमे पे, दोनों ही बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं एंड कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको काफी अच्छे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिनको आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। कुछ जो मैंने पर्सनली ट्राई किए हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं रेज्यूमे के कंटेंट वाले पार्ट में कि एक रेज्यूमे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। मेरे रेज्यूमे में 7 मेन सेक्शंस हैं, हेडर, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, स्किल्स, अचीवमेंट्स एंड रिलेवेंट कोर्सेज। हर एक सेक्शन को हम डिटेल में देखेंगे। हेडर में आई हैव माई नेम इन लार्ज फॉन्ट एंड माई प्रोफेशनल स्टेटस। तो उस वक्त मैं कॉलेज में थी, मैंने डाल रखा है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अभी मेरे लेटेस्ट रेज्यूमे में इट शुड बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। देन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हर एक रेज्यूमे में होनी चाहिए, योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप अपना ईमेल प्रोवाइड कर सकते हो, फोन नंबर प्रोवाइड कर सकते हो, अपना कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट प्रोवाइड कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मैंने अपना फोन नंबर, ईमेल, लिंक्डइन प्रोफाइल एंड गिटहब प्रोफाइल डाल रखी थी। एटलीस्ट आप अपना फोन नंबर तो प्रोवाइड करो ही। मेक श्योर दिस सेक्शन इज नॉट मिस्ड आउट फ्रॉम योर रेज्यूमे क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सेकंड इज योर एजुकेशन सेक्शन जिसमें मैंने अपनी स्कूल एंड कॉलेज की एजुकेशन इन्फो ऐड कर रखी है। कॉलेज में मैंने अपनी डिग्री डाली है, कॉलेज का नेम डाला है एंड टाइमलाइन डाली है एंड मार्क्स डाले हैं। नेक्स्ट इज द एक्सपीरियंस सेक्शन जिसमें मैंने अपनी फुल टाइम एंड इंटर्नशिप दोनों ऐड कर रखी हैं, बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सो व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? इसमें मेरा लेटेस्ट एक्सपीरियंस सबसे टॉप पे आएगा, उसके नीचे उससे पुराना एक्सपीरियंस एंड सबसे बॉटम पे सबसे पुराना एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस में मैंने ऐड कर रखा है अपना जॉब रोल, कंपनी नेम, टाइमलाइन एंड कुछ पॉइंटर्स जिसमें मैं बता रही हूँ कि मैंने उसमें क्या काम किया है, क्या कंट्रीब्यूट किया है एंड क्या क्या फ्रेमवर्क्स यूज किए हैं। तो जब आप अपना एक्सपीरियंस सेक्शन फिल करो, मेक श्योर कि ये बहुत ही क्रिस्प हो, कंसाइज हो। ये कभी भी लॉन्ग सेंटेंसेस के फॉर्म में नहीं जाना चाहिए, हमेशा बुलेट पॉइंट्स में रहना चाहिए। आइडियली ये बेटर रहता है कि आप यहाँ पे कोई भी फुल सेंटेंसेस मत लिखो एंड स्टार्ट विथ कीवर्ड्स लाइक डेवलप्ड, एडेड, बिल्ट, टारगेटेड एंड सो ऑन। मैं हर एक एक्सपीरियंस के लास्ट पॉइंटर में टेक्नोलॉजीज एंड फ्रेमवर्क्स मेंशन करती हूँ एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है टू गिव एन आइडिया कि आपने क्या काम किया है। नेक्स्ट इज अ प्रोजेक्ट सेक्शन जिसमें मैंने हेडिंग दे रखी है सेलेक्टेड प्रोजेक्ट्स। इस हेडिंग से हमें आइडिया लग जाता है कि मेरे पास और भी प्रोजेक्ट्स हैं, बट दीज आर द वंस आई सेलेक्टेड फॉर माय रेज्यूमे। एंड हर एक प्रोजेक्ट में मैंने प्रोजेक्ट की हेडिंग डाली है, उसकी इन्फॉर्मेशन दी है, उसका URL प्रोवाइड किया है एंड लास्ट पॉइंट में मैंने टेक्नोलॉजीज एंड लाइब्रेरीज यूज लिखा है। तो इस सेक्शन में आई विल रिकमेंड कि आप 2 से 4 प्रोजेक्ट रखो एंड डोंट एक्सीड बियॉन्ड 4। अगेन मैंने जैसा एक्सपीरियंस सेक्शन पे बताया था, स्टार्ट विथ स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स लाइक डेवलप्ड, बिल्ड एटसेट्रा इंस्टेड ऑफ राइटिंग कंप्लीट सेंटेंसेस। सबसे टॉप पे आप वो प्रोजेक्ट रखो जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, यानी कि जिसको आप सबसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ इंटरव्यू में। वैसे तो आपको हर एक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना आना चाहिए। एंड अगर आपके पास कम प्रोजेक्ट्स हैं या फिर अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं है, लेट मी नो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द सेम। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको URL ज़रूर प्रोवाइड करना है उस प्रोजेक्ट का, अगर आपके पास है तो। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि अगर आपका रेज्यूमे कोई गो थ्रू कर रहा हो एंड उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो दे कैन जस्ट गो टू दैट URL एंड दे कैन फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन देयर। आई थिंक एडिंग URL टू योर प्रोजेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू मेक इट स्टैंड आउट अमंग अदर कैंडिडेट्स, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ मिस कर देते हैं।
नेक्स्ट इज द अचीवमेंट सेक्शन, जहाँ पे मैंने अपनी अचीवमेंट्स लिस्ट की हुई है, उनकी हेडिंग दे रखी है, ब्रीफ से इन्फॉर्मेशन दे रखी है एंड लिंक दे रखा है। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आपको उस अचीवमेंट का प्रूफ मिल जाएगा, या तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा या तो कोई वेबसाइट खुल जाएगी जहाँ उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्किल्स। तो जब हजारों रेज्यूमे जाते हैं ना एक ही जॉब ओपनिंग के लिए, तो कुछ कीवर्ड्स के बेसिस पे रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं एंड मोस्टली वो कीवर्ड स्किल से पिक होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी रेलिवेंट स्किल्स यहाँ पे लिस्ट करो। एंड इसमें एक और ऑप्शन होता है लिस्ट करने का कि खुद को रेट करो ऑन अ स्केल ऑफ 5 या फिर समथिंग, कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो उस स्किल में। आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड वे टू लिस्ट योर स्किल्स एंड आई पर्सनली प्रेफर टू कीप इट सिंपल जस्ट लाइक दिस। लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है रेलिवेंट कोर्सेज। मैंने ये सेक्शन जानबूझकर ऐड किया था कि अगर इंटरव्यू में मेरे से सब्जेक्ट पूछे जाए तो वो इन्हीं कोर्सेज में से हो, एंड मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा ही हुआ है। तो इस सेक्शन में कोर्सेज को शॉर्टलिस्ट करने के लिए मैंने दो चीज़ों का ध्यान रखा था। पहला, वो मेरे जॉब रोल से रेलेवेंट हो। दूसरे, वो कोर्सेज जिसमें मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, सो दैट आई विल बी एबल टू गिव आंसर्स टू क्वेश्चंस अराउंड दैट। सो दीज आर द 7 इंपॉर्टेंट सेक्शंस इन माई रेज्यूमे एंड आई एम श्योर आपको काफी सारी टिप्स मिली होंगी अपना रेज्यूमे डिजाइन करने के लिए भी। अब बताती है एक बोनस टिप की। आई हैव बीन एक्टिव ऑन लिंक्डइन एंड मैं लिंक्डइन पे भी बहुत सारा यूजफुल कंटेंट शेयर करती हूँ। मैंने रेज्यूमे के अराउंड भी काफी अच्छी अच्छी चीजें शेयर की हुई हैं, सो यू कैन गो थ्रू माई पोस्ट एंड फाइंड देम। मैंने लिंक्डइन पे एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था जिसका नाम है सेल्फ रिव्यू योर रेज्यूमे, जिसमें मैंने आपको एक चेकलिस्ट दे रखी है जो कि आप अपने रेज्यूमे के लिए वेरीफाई कर लेना कि आपके रेज्यूमे में वो सारी चीज़ें एज एक्सपेक्टेड है या नहीं। आपको उस डॉक्यूमेंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।